अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। झेलम प्रॉपर्टी एडवाइज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ बिलावर रहमान और आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए घर लेके आया जो कि 5 मरले का डबल स्टोरी घर है। इसकी सबसे पहले तो मैं आपको लोकेशन क्लियर करता चलूँ, तो ये सराई में आता है जो कि दरिया के बिल्कुल नज़दीक है। बेसिकली ये रिवर व्यू है, तो दरिया के बिल्कुल नज़दीक है। दरिया का व्यू है, यहाँ से घर से भी व्यू है और नज़दीक है। ठीक है, ये सामने आप पुल देख सकते हैं। ये पुराना पुल है झेलम और सराई को जो आपस में अटैच करता है। इस पुल से नीचे आए तो बड़ा रोड है, 30 फुट रोड है जो कि इस घर की तरफ आता है। जो इसकी गली है, गली इसकी 16 फुट है। दो गलियाँ लगती हैं, एक 14 फुट है, एक 16 फुट है। बेसिकली कॉर्नर ये घर है। तो ये मैं बाहर से आपको व्यू करवा रहा हूँ। ये बंद है जो कि दरिया का है, उसके ये बिल्कुल नज़दीक है। तो गली में आपको क्लियर करता चलूँ और जो इसका फ्रंट व्यू है घर का वो भी मैं आपको करवाता हूँ। तो गली बेसिकली इस घर की दो गलियाँ हैं, एक 14 फुट है और एक 16 फुट है। ये देख सकते हैं, एक ये गली है और एक ये गली है। दोनों गलियाँ दोनों बाइड मेन रोड के ऊपर जाती हैं। जूटी रोड यहाँ से नज़दीक है, आई थिंक 1 या 2 मिनट की ड्राइव पर मेन जूटी रोड है। गली आप देख सकते हैं, लोकेशन वाइज अच्छी लोकेशन पे है, रोड के बिल्कुल नज़दीक आता है। तो चलिए मैं आपको घर का फ्रंट व्यू करवाता हूँ। इसकी मुकम्मल डिटेल्स और प्राइस वो इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो घर के फ्रंट व्यू की तरफ जाने से पहले मेरे सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, साथ रहिएगा और इंशाल्लाह आपको ये घर पसंद आएगा। रीजनेबल प्राइस पे अच्छा घर बना है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी हुई है इस घर की। तो चलिए मैं आपको घर का फ्रंट व्यू करवाता हूँ। तो ये घर का फ्रंट व्यू है और प्लांट भी बेसिकली इसका काफ़ी ऊंचा है, अच्छा प्लांट इसका रखा गया है। और इस साइड से मैं आपको व्यू करूँ, ये साइड व्यू है। बेसिकली इस घर में बेसमेंट भी है, एक बेसमेंट है ये घर, नीचे बेसमेंट है और ग्राउंड फ्लोर ऊपर फर्स्ट फ्लोर। तो चलिए मैं आपको अंदर से व्यू करवाता हूँ इसकी। एक मेन एंट्रेंस पे जाएं तो ये पोर्च है, पोर्च देखें, नीचे मार्बल का यूज़ हुआ है। और ये सामने आप देख सकते हैं विंडो, ये नीचे जो बेसमेंट है उसकी है। और एक ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए रखी गया है। और ये देखिए यहाँ पे बेसन लगा हुआ है और सामने बात है कार कोच में बात रखा गया। तो मैं बात का व्यू करवाता हूँ आपको। सिंपल सीट भी लगी हुई है, कंपाउंड भी लगी हुई है और टाइल का यूज़ होगा, वोटर टाइल है, नीचे भी टाइल है। और छत पर देखें तो सीलिंग, ये बात है। तो बेसिकली मैं सबसे पहले तो आपको प्लांट का क्लियर करता चलूँ। तो बेसिकली ये घर बाहर से भी देखें, मेन गली से देखें तो वहाँ से भी प्लांट ऊँचा और आगे भी 3 स्टेप यहाँ पे रखे गए। बेसिकली ये गली से काफ़ी ऊँचा, ये एक अच्छी ऑप्शन रखी गई है। तो ये मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे ये टीवी लॉन्च और हॉल में भी देखें तो सीलिंग का ही यूज़ हुआ है। पानी और ये किचन है, हॉल में किचन में देखिए ट्यूरा मार्बल लगा है। किचन में भी देखें टाइल का यूज़ हुआ है। और ये सामने आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट के लिए स्पेस छोड़ी गई है और एक विंडो भी रखी है एग्जॉस्ट के लिए जो कि बाहर कारपोर्च में ओपन होती है। बाकी ये किचन का आप जो देख लो, ये टीवी लॉन्च और एक ये बेडरूम, एक ये बेडरूम है। इस बेडरूम में भी देखें सीलिंग का यूज़ होगा और वो सामने विंडो आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए रखी गई है। बेसिकली उस साइड पर गली है तो गली में ये वेंटिलेशन की विंडो रखी गई है। एक ये बेडरूम है, इस बेडरूम में भी देखिए सीलिंग का यूज़ होगा और बाकी यहाँ देख सकते हैं अच्छे साइज़ का ये बेडरूम रखा गया है।
और यहाँ पे भी देखिए नीचे ट्यूरा मार्बल, बेसिकली हॉल और रूम में सब में ट्यूरा मार्बल लगा है और बाहर सनी ग्रे मार्बल का टीवी और कारपोच में सनी ग्रे मार्बल का यूज़ हुआ है। तो ये जो स्टेयर्स हैं ये ऊपर छत की तरफ जा रही हैं, तो बाकी मैं आप बेसमेंट और बाकी आप टीवी लॉन्च का एक भी कर लें। बेसिकली ऊपर दो बेडरूम है, किचन है, बाथ है और ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का भी मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। और देखिए यहाँ पे भी सीलिंग का इस्तेमाल हुआ है और नीचे देखें नीचे पूरा मार्बल है और यहाँ पे भी एक ऑप्शन रखी गई है विंडो भी और डोर भी। बेसिकली मुकम्मल वेंटिलेट है ये घर, वेंटिलेशन के एक अच्छा प्रॉपर सिस्टम रखा गया है इस घर में। ये आप देख सकते हैं लाइट भी ना हो फिर भी रोशनी इस घर में होती है और इसके साथ अटैच बाथ है ड्राइंग रूम के साथ। देखिए मुकम्मल एक्सेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, वो बेसन टाइल का मुकम्मल एक यूज़ होगा यहाँ पे और इस बाथ में भी सीलिंग है, मुकम्मल घर में सीलिंग का इस्तेमाल हुआ है। तो ये एग्जॉस्ट के लिए रखा गया है स्पेस और बाकी ये डोर का भी एक व्यू कर लें। बाकी ये तो बेसमेंट भी है इस घर में, मैं आपको बेसमेंट का व्यू करवाता हूँ। ये है बेसमेंट भी, नीचे देखें मार्बल का इस्तेमाल भी है वो मुकम्मल। बेसिकली जो ओनर है उन्होंने मुकम्मल हॉल रखा है नीचे, लेकिन पार्टीशन होके रूम्स बन जाते हैं नीचे। तो मुकम्मल एक व्यू करवा देता हूँ आपको और इस साइड से ये देखें ये एज अ स्टोर, जो स्टेयर्स हैं सीढ़ियों के नीचे एज अ स्टोर बनाया गया है। और बाकी ये देखें शेड यहाँ पे लगाई गई है, सामान रखा हुआ है प्रॉपर। और बाकी ये देखें बेसिकली यहाँ पे अगर द्वार की जाए तो एक ये बेडरूम बन जाता है और एक इस साइड पे बेडरूम बन जाता है। दो बेडरूम इजीली यहाँ पे नीचे बन जाते हैं और एक एज अ स्टोर भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए एक ये स्पेस छोड़ी गई है वेंटिलेशन के लिए जो कि गली में है और एक इस साइड पे स्पेस छोड़ी गई है, ये बेसिकली कारपोर्च में। तो जो बेसमेंट है ये भी एक मुकम्मल वेंटिलेट है, यहाँ पर भी एक रोशनी का मुकम्मल सिस्टम है। तो ये बेसमेंट का व्यू कर ले मुकम्मल, मैं आपको बैक साइड से करवा देता हूँ। तो देखिए इस साइड पे भी स्पेस छोड़ी गई है वेंटिलेशन के लिए। तो ये देखिए ये मुकम्मल बेसमेंट है, एक अच्छी ऑप्शन रखी गया है इस घर में बेसमेंट के लिए। ये बेसमेंट का आपने वो मुकम्मल कर लिया है। पांच मरले का ये घर है, लोकेशन मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको ऊपर से एक मुकम्मल व्यू करवा देता हूँ। तो यहाँ से मैं व्यू करवाता हूँ, दो बेडरूम है, किचन, ड्राइंग रूम और ये टीवी लॉन्च। तो चलिए मैं ऊपर से व्यू करवाता हूँ। यहाँ पे भी देखें सीढ़ियों पे पूरा मार्बल लगा हुआ है और ये छत का व्यू, एक छोटी मोटी बनाई गई है ये। और बाकी ये छत का व्यू है, बेसिकली ये पांच मरले का घर है, कॉर्नर घर है, दो गलियां लगती हैं इस घर को। एक ये गली है और एक फ्रंट पे है, फ्रंट पे जो गली है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और एक ये फ्रंट पे है। दो गलियां हैं इस घर की, रोड के बिल्कुल नज़दीक है। तो मैं यहाँ से आपको एक दरिया का व्यू भी करवा देता हूँ, रिवर साइड व्यू, एक अच्छा व्यू है यहाँ पर, ये आप सामने देख सकते हैं। ये पुराना पुल है जो कि सराई और जेलम को आपस में बनाता है और ये सामने आप देख सकते हैं दरिया का भी मुकम्मल, दरिया के बिल्कुल नज़दीक है, सब्ज़ा है यहाँ पे, नेचुरल यहाँ पे हवा, वेंटिलेशन यहाँ की नेचुरल है, आलूदगी हर चीज़ से ये पाक है। बाकी अराउंड भी घर का एक अच्छी ऑप्शन है ये और रोड के भी नज़दीक है और जो मेन रोड है इस घर की तरफ आता है वो भी मैं आपको यहाँ से
अच्छा से क्लियर करता चलूँ। तो ये मेन गली है जो कि इस घर की तरफ आती है मेन रोड से। अगर यहाँ से मेन रोड की बात करूँ तो मैक्सिमम 1 से 2 मिनट की ड्राइव है, आप मेन रोड पे चले जाते हैं। महकमा ज़रात और म्यूनसिपल कमेटी का जो ऑफिस है उसके बिल्कुल ये नज़दीक है। तमाम सहूलतें फैसिलिटी यहाँ पे ऑन द स्पॉट अवेलेबल है। लोकेशन वाइज बहुत अच्छी लोकेशन पे है, रोड के नज़दीक है। मैंने रोड का भी आपको एक व्यू करवा दिया, बाकी दरिया के बिल्कुल नज़दीक है। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है नेचुरल और ताज़ा हवा के लिए। तो एक ये भी आप व्यू कर लें। तो बाकी मैंने आपको अंदर से एक मुकम्मल व्यू करवा दी है। टोटल इस घर में 2 बेडरूम हैं, 1 ड्राइंग रूम है, 2 बाथ हैं, 1 किचन है, टीवी लॉन्च है, बेसमेंट है। बेसमेंट में भी 3 रूम की पार्टीशन इजीली हो जाती है। मुकम्मल टाइल मार्बल का यूज़ हुआ है इस घर में। अच्छा घर बना है, कंस्ट्रक्शन अच्छी हुई है। वाइट से आपको मुकम्मल एक व्यू करवा दिया घर का। आई होप इंशाल्लाह आपको ये घर पसंद आया होगा। तो इस जो इंटरेस्टेड हजरात हैं वो रब्ता कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और स्क्रीन पे भी आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।